हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं, इस रीडिंग को देखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, आपसे मैच करे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सन लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए के ट्रू फीलिंग क्या है राइट नाउ, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या कुछ है। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए विजडम, विटर स्वीट, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन एंड व्यूवर्स वी हैव रिजेक्शन। बॉटम से आ रहा है प्रसेप्शन, ठीक है। यस, ओके ओके व्यूवर्स, सो आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना, इस समय बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है। और यहाँ पे फीलिंग ऐसा दिखाती है कि मे बी समवेयर, कहते ना कि वक्त रहते कदर कर लो, जब वक्त निकल जाएगा तो फिर बड़े पछताओगे। नहीं होंगी मैं ये, नहीं होंगा मैं तो मेरी याद में आंसू बहाओगे। आपके पर्सन की वही स्थिति है। ये पर्सन ने मे बी जब आप दोनों साथ में थे, तब आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आपका होना इस पर्सन के लिए बेमतलब था। इनको मे बी वो चीज़ें समझ में ही नहीं आई कि आप इनके लिए हो क्या, ये रिश्ता क्या है, ठीक है, ये कनेक्शन है क्या आप दोनों का। लेकिन जब आपसे ये पर्सन दूर हो चुके हैं, आप उनसे दूर हो चुके हो, मे बी सेपरेशन है, तब आपके पर्सन और मे बी राइट नाउ ये इस रिश्ते में अच्छे पल और बुरे पल दोनों को मेमोराइज कर रहे हैं कि किस तरह से वक्त बीता आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, क्या लाइफ थी, किस तरह से चीजें चल रही थी, किस तरह से कनेक्शन आपका चल रहा था, ठीक है। तो वो सब बातें इसको, इस व्यक्ति को याद आ रही हैं, हर एक अच्छे और बुरे पल सारे याद आ रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने कभी दिल की नहीं सुनी, और आज इनके दिल की ये सुनने लगे हैं तो डर गए हैं। डर किस बात का है? डर है आपको खो देने का, हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाने का, अकेले रह जाने का, और समवेयर आपकी तरफ से अब इस व्यक्ति को कोई चांस ना मिलने का। कभी कभी ना लाइफ में सच में बहुत देर हो जाती है और चांस नहीं मिल पाता, और फिर वो चीज़ें बड़ी दुख देती है, बड़ी तकलीफ देती है। तो इस तरह की नजर से यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इन कार्ड्स को अभी और डीपली क्लेरिफाई करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, यहाँ पे विजडम की एनर्जी क्यों आई है, विजडम की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब मैं नहीं होंगी या मैं नहीं होऊंगा तुम्हारी लाइफ से, मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें मेरे होने का या ना होने का एहसास होगा। आज तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब भरपूर है, ठीक है। कल जब ये इसी चीज़ को तरसोगे तुम, इसी इसी वक्त के लिए तरसोगे तुम, तो आज आपके पर्सन तरस रहे हैं। ये इनको समझ में आ रहा है कि यार इस कनेक्शन में कितना कुछ था, कितनी चीज़ें हो रही थी, कितनी अबंडेंस थी इस कनेक्शन में। आपके होने की वजह से भी अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ इनके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही थी। और जब से आप गए हो व्यूवर्स, यकीन मानिएगा इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये इस कनेक्शन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं, तब तक आप आगे बहुत बढ़ चुके हो। बिटर स्वीट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। बिटर स्वीट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। ओके, यस, दे थिंक अबाउट देयर पास्ट,
पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की किताबें खोल दी आज इन्होंने, फोटोज देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, अच्छे और बुरे हर पल नजर आ रहे हैं। और आज इनको पता है कैसा फील हो रहा है कि जैसे ये अकेले रह गए हैं लाइफ में। अबंडेंट है, अबंडेंट कहूंगी, सॉरी, अबेंडेंट मतलब लाइफ के अंदर ना, ये जिसे कहते हैं ना इंसान को, अब इस व्यक्ति को किसी की, इस व्यक्ति की जरूरत किसी को नहीं, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन आ गए हैं, जहां पर ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और अपनी लाइफ में विवर्स इनको इस वक्त सच बताऊं ना तो आपकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा। मे भी कोई सिचुएशन टफ आ गई है, कुछ हो गया इनकी लाइफ में, दैट्स वाई इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। कहते हैं ना, जब तक लाइफ में कुछ झटका ना मिले, ट्रिगर ना मिले इंसान को, तब तक उसको समझ में नहीं आती, ठोकर लग के ही समझ में आती है। तो इनको कोई ठोकर लगी है व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। और इस वजह से ये व्यक्ति आपके इस समय पुराने पुराने फोटोज जो भी इनके पास हैं, मैसेजेस हैं, ओल्ड मेमोरीज हैं, ये उनको याद कर करके बहुत रो रहे हैं। मतलब ये मैं कहूँगी, उनको याद करके चेहरे पे हंसी भी आ रही है, मुस्कुराहट भी आ रही है, और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो गलतियां तो इंसान ने करी हैं, आवेग में आके और गुस्से में आके, या जो भी कहो, है ना। कहते हैं जो एनर्जी होती है ना फायर की, वो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। फायर अगर लिमिटेड लाइफ, मतलब उसमें हो, एक लिमिट में हो, तो खाना पका भी सकती है, और लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो खाना जला भी सकती है, घर बना सकती है और घर बिगाड़ भी सकती है। तो इस व्यक्ति की जो फायर थी वो इनके कंट्रोल में नहीं थी, और आज अपनी फायर की वजह से, अपने गुस्से की वजह से उनकी ये हालत है, ठीक है। सो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इनसिक्योरिटी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करे, व्हाई दे फील इनसिक्योरिटी, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, इनको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है बॉटम से। इस व्यक्ति को इनसिक्योरिटी इस बात की है कि अभी अगर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, तो इनको पास पल्ले कुछ नहीं मिलेगा, इनके इनकी उम्मीदें आपसे बहुत हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें आगे बढ़ने से पहले ही, एक्शन लेने से पहले ही नाउम्मीदी में बदल रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में ना डर बहुत है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सोच रहे हैं सक्सेस की तरफ, ठीक है, कि यार मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मे बी हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, हील हो जाए, राइट। लेकिन इस व्यक्ति ने व्यूवर्स दूसरे लोगों की बातों में आके, यस, कुछ लोग आपके पर्सन ऐसे भी हैं जो दूसरों की बातें बड़ी सुनते हैं, ठीक है, कि ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो जब इंसान दूसरे की बातें सुनेगा तो क्या हाल होगा उसका, यही होगा। तो उन्होंने दूसरों की बातों में आके अपनी लाइफ में अपनी हालत कर ली है, और अब ये व्यक्ति जब अपनी लाइफ में देख रहे हैं पीछे मुड़ के, तो उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और आगे का भविष्य इनको ऐसा लग रहा है जैसे टेन ऑफ सोर्ड का है, ठीक है, यानी कि अब कुछ हो नहीं सकता। इनसिक्योरिटी है लाइफ में अकेले रह जाने की, आइसोलेशन को यहाँ पे इन्वर्स क्लेरिफाई करें, वाई आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, टेन ऑफ सोर्ड अगेन, आइसोलेशन में भी टेन ऑफ सोर्ड आ गया, एट ऑफ पेंटिकल। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं जैसे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, हाय मैं क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति का प्यार मैंने खो दिया, मैंने ये व्यक्ति खो दिया, आज वो व्यक्ति मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे मैं उसके साथ में जुड़ूँ, कैसे मैं उससे बात करूँ, कैसे मैं उसे अपनी लाइफ में लेके आऊं, ठीक है। केयर क्यों नहीं करी इन्होंने, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं समझा प्यार आपका, क्योंकि हर रिश्ता केयर मांगता है, हर पर्सन केयर मांगता है, चाहे वो जो भी हो। केयर तो देखो हर एक को चाहिए होती है, प्यार हर एक को चाहिए होता है। अगर आप किसी को प्यार ही नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, उसकी कदर नहीं करोगे, तो वो क्या आपके पास रुकेगा, नहीं रुकेगा ना। तो आज इस पर्सन को भी ये समझ में आ गया कि उन्होंने आपके प्यार की केयर ही नहीं करी, कदर ही नहीं करी, और आज वो इसी प्यार के लिए तड़प रहे हैं। आइसोलेशन में भी टेन ऑफ सोर्ड आया है,
एक्सट्रीम पे डिप्रेशन एनर्जी है ये। ये इंसान ऐसा समझ लो कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। अब इस डिप्रेशन को निकालने के लिए आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग क्या लग पा रहा है? नहीं, दिमाग लग ही नहीं पा रहा इस व्यक्ति का। इनका दिमाग 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है। और ये पर्सन आज रात इतने परेशान होने वाले हैं ना, आप समझ लो बस, कि मतलब चैन से सो जाए ये व्यक्ति तो कहना, ये आपको याद कर करके रोएंगे आज रात, पूरी रात तड़पे रहेंगे, देखते रहेंगे सारी रील्स आपकी, फोटोज और मेमोरीज और सम काइंड ऑफ मैसेजेस एज वेल। ठीक है, ये पछतावे की एनर्जी है, ये रिग्रेट है, यहाँ पर अकेलापन है, यहाँ पर डर है लाइफ में कुछ ना दिखने का, कुछ होने ना होने का, ये वो डर है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। रिजेक्शन, पेज ऑफ वेंड्स एंड टेन ऑफ वेंड्स, वाह, पेज ऑफ वेंड को टेन ऑफ वेंड क्लैरिफाई कर रहा है, और रिजेक्शन इनको है आपकी तरफ से। यू विल नेवर फॉरगिव हिम और हर। आप इनसे मतलब इनसे जैसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, कि अब मेरे दिल में जैसे तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, आप ये कह रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन अब मेरे अंदर खुद प्यार खत्म हो गया है, मेरा प्यार पे विश्वास नहीं है। आप यहाँ पे ये कह रहे हो इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि अभी आप अगर आपके सामने कोई एफर्ट्स भी दिखाएंगे ना, आप इस व्यक्ति को ढंग से ट्रीट ही नहीं करोगे। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये पहले क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसी नहीं हुआ करती थी, या ऐसा नहीं हुआ करता था, आप ऐसे नहीं थे पहले। पहले आप बहुत लविंग एनर्जी थे, सॉफ्ट काइंड हार्टेड, हंसने खेलने मुस्कुराने वाले, जिंदगी को जीने वाले, और एक जॉली नेचर आपका था। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बदल दिया, आपके सोचने के नज़रिए को, आपके प्यार करने के नज़रिए को, और रिश्तों को ट्रीट करने के नज़रिए को इस व्यक्ति ने आपके बदल दिया। आज वही इंसान है वीवर्स, ये जो आपकी एनर्जी आई है, कि जहाँ पे आप अब इमोशनल नहीं होते, अब आप प्यार को लेके सेंसिटिव नहीं हो। आपके लिए जैसे कि ऐसा हो गया कि यार किसी से प्यार करो मत, प्यार करोगे ना तो वो आपको दर्द ही देगा। सो डोंट गेट इमोशनल, किसी को लेके ना इतना इमोशनल मत हो कि फिर वो तुम्हें ट्रिगर करे। जैसे कि कह रहे हो कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं इस दुनिया में, प्यार ढकोसला है, प्यार धोखा है, प्यार छलावा है, प्यार दर्द है, प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप किसी को जैसे ये राय दे रहे हो कि प्यार ना करना मत, अगर जिंदगी में मुसीबत मोल लेनी है तो प्यार करना, अदरवाइज दूर रहो इस झमेले से। तुम जिसको चाहोगे ना, वही तुम्हें ट्रिगर करेगा, वही तुम्हें पत्थर बना देगा। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि पत्थर बनना कैसा होता है। इंसानों इंसान बने रहो, पत्थर बनने की कोशिश मत करो। लोग आजकल मतलब ही होते हैं, प्यार धोखे के लिए करते हैं, या फिर प्यार में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। कोई नहीं करता इस दुनिया में सच्चा प्यार। आपको ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन देख रहे हैं, और नो डाउट आप ऐसी एनर्जी में हो भी, काफ़ी लोग हो इस एनर्जी में, जहाँ पर आप बदल चुके हो। अब आप चीज़ों को मतलब ये कहूँ लॉजिक के साथ में देखते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी लॉजिकल हो गई है। आप बस, आपके लिए सच है या झूठ है, या फिर इस दुनिया में प्यार तो है ही नहीं। सबसे पहले तो रफा दफा करो प्यार को, ठीक है, आपका बस चले तो आप प्यार नाम शब्द को ही काट के फेंक दो। क्योंकि जब किसी से इतना चाहो, किसी को इतना समझो, और वो आपको फील ही ना करवाए, आपकी इंपॉर्टेंस ही ना समझे, देन वाई किस चीज़ का एफर्ट्स, किस चीज़ का इमोशनल होना। तो ये एनर्जी चेंजेबल एनर्जी है, राइट? तो आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, और ये व्यक्ति व्यूअर्स इसीलिए आपके सामने मुझे नज़र आ रहा है कि इनको ये पता है कि अगर ये कुछ भी करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, रिजेक्शन ही मिलेगा आपसे, 100% मिलेगा। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आपकी नज़रों में वो नहीं आएगा, आपको ये खुश नहीं कर सकते, आपको ये मतलब प्रीवियस एनर्जी में नहीं लेके आ सकते, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। अब आपका दिमाग बहुत ऊंचा उठ चुका है, आप मोह माया से बहुत ऊंचे उठ चुके हो। अब अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इमोशनल तो हो ही नहीं, और
बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हो, ठीक है, टच ही नहीं हो रहे हो किसी से ज़्यादा, रिश्ते आप लेके चलते हो बहुत लॉजिक के साथ में, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ में आप लेके चलते हो, तो आपका जो परसेप्शन है वही इस पर्सन को डरा रहा है कि अब इनकी लाइफ में इनको ये पेन देखना पड़ेगा, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, ठीक है, आप इनकी इनको जैसे कि कहते ना फॉर ग्रांटेड ही लोगे, और ये पर्सन इस बात को सोच सोच के, इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जीज आ रही है, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी भी टर्न ऑफ सोर्ड की है, यानी कि इनको तो 100% लग रहा है कि इनकी लाइफ में अब अकेलापन ही रहेगा, ठीक है, आइसोलेशन में भी टर्न ऑफ सोर्ड आया है, तो आप समझ सकते हो इस पर्सन को आपसे इतनी सी भी उम्मीद नहीं है सच बताऊं तो, लेकिन चाहते तो हैं आपका साथ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी दिखा रहा है कि इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति को यही है कि यार अब मेरा क्या होगा, डेविल हार्ट पे आके बैठ गया है, तो जब डेविल हार्ट पे ट्रिगर करता है ना, तो डेविल की एनर्जी आपको पता है मोह माया की होती है, वो आपको फंसाएगा, आपको उलझाएगा, आपको परेशान करेगा, रुलाएगा, सताएगा, डराएगा, तो इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त आपको लेके सिर्फ डर ही डर है, ठीक है, तो ये इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो रहा है, अभी डेविल की एनर्जी यहाँ पे इस व्यक्ति को ये भी दिखाई दे रही, बोल रही है जैसे कि बोलते ना वो फिल्मों में देखा ना, दो डेविल आके बैठ जाते हैं, डेविल और एंजल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एस्पेक्ट, कंधे के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, वैसा इस पर्सन के साथ में हो रहा है राइट नाउ, बिल्कुल वैसा, एक दिमाग कह रहा है पॉजिटिव कि यार नहीं वो एक्सेप्ट कर लेगी, बिटर स्वीट मोमेंट होंगे आप दोनों के बीच में, चीज़ें सही हो जाएंगी, दूसरी तरफ डेविल कह रहा है नहीं आइसोलेशन में जाओगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नहीं करेगी, तुम यकीन नहीं आया तो करके देख लेना तुमने उसके साथ में क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि डेविल में मुझे वही एंजल नज़र आए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंजल बैठे हुए हैं, यहाँ पे डेविल बैठे हुए हैं, और दोनों इस पर्सन का दिमाग खराब करने में लगे हुए हैं, हालत इस पर्सन की इतनी बुरी कर दी गई है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, और आपके जो इमेज इस पर्सन के सामने आई है वो तो भैया इसके होश उड़ा रही है कि अब इनका लाइफ में जैसे कुछ हो ही नहीं सकता, अब इनको ये मिल ही नहीं सकता, अब चाहे लाख जतन कर लो लेकिन मेरा प्यार नहीं मिलेगा तुम्हें, या मेरा साथ नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं दूंगी या नहीं दूंगा मैं तुम्हें जो तुम सोच रहे हो, जो तुम पाना चाहते हो, नहीं दूंगा, ये है, ये देख रहे हो, ये इमेजिनेटिव एनर्जी है, तो आप समझ सकते हो इस व्यक्ति की हालत क्या है आज, ड्रीमी एनर्जी अगर मैं बात करूँ ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कल्पनाओं में जाने वाली एनर्जी, उसमें भी इस व्यक्ति को कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, तो चाहते तो बहुत कुछ है आपसे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है कुछ मिलेगा ही नहीं आ रहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जैसे मेरी सारी उम्मीदें पानी में मिल रही हैं, मिट्टी में मिल रही हैं, क्या करूं मैं, ये वो एनर्जी आ गई है, सो लेस इज सम चैनल मैसेज फॉर यू आपके पर्सन की तरफ से, ओके, आज नींद ना आएगी, बड़ा सताओगे आप इन्हें, ओके, चलो ठीक है ना, थोड़ा सा इंसान को तड़पना भी चाहिए समटाइम, जब तक तो तड़प नहीं होगी ना किसी को लेके, वो उसके प्यार की कदर भी नहीं करेगा, तो कदर तो हो रही है नो डाउट, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ हिज क्रश मी, आपके इस पर्सन के सामने जब चीज़ें आ रही हैं, जो भी आ रहा है वो इनको तोड़ रहा है अंदर तक, ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई एम ब्लेम ऑन यू, आपके पर्सन ने आपको ब्लेम किया, आपके अंदर कमियां निकाली, मैंने बोला था कमियां निकाली वगैरह सब कुछ, कि जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, सब कुछ तुम्हारा, इनका कुछ नहीं, ठीक है, तो सारी गलती इनकी तुम्हारी और सारे अच्छे कर्म इनके, समझ लो आप, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, तो आपके साथ में कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, राइट, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट थे, आज इनको समझ में आ गया, चलो आ गई अक्ल, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, आपके पर्सन जानते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, ठीक है, या फिर जो भी है लव यू की एनर्जी है, एंड रिग्रेट टू लाइंग यू, अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं तो अब ये बड़े पछता रहे हैं,
आपके पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे व्यूवर्स, तो मैंने बोला था ये जैसे और चीज़ों में उलझ रहे हैं तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो एनर्जी है, ठीक है। और लास्ट मैसेज आपसे पूछ रहे हैं, भाई रिप्लाई दे दो, वी विल बी टुगेदर अगेन, क्या हम साथ में हो सकते हैं। तो भाई पूछना तो यही चाहते हैं, चाहते भी यही हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है आपसे पूछते हुए भी। सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। ओके सो ये आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।